ये देखिए, बाजार जैसी टेस्टी चाउमीन क्रंची सब्जियों के साथ। इसे आप घर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड सेवन। आज मैं बनाने वाली हूँ बाजार जैसी चाउमीन। सबसे पहले एक पैन में 4 कप पानी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, एक बारी से चला लेंगे। अब इसमें नूडल्स डाल देंगे और नूडल्स के पकने तक इसे उबाल लेंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहें, नूडल्स अच्छे से पक गए हैं। आप चाहें तो एक नूडल्स निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। अब इन नूडल्स को छान लेंगे। इसे छानने के बाद फोक की मदद से थोड़ा साइड साइड में इसे फैला दें ताकि यह आपस में चिपके ना। इसके बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन काट के डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे 30 सेकेंड के लिए चला लेंगे। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें, आपको जितना तीखा पसंद हो। अब इसमें 1/4 कप प्याज डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस हल्का सॉफ्ट हो जाए उतनी देर ही पकाएंगे। अब इसमें आधा गाजर डाल देंगे, 1/4 कप शिमला मिर्च डाल देंगे, आधा कप बंद गोभी डाल देंगे। अब इन सभी को लगातार 2 मिनट के लिए चलाएंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इन्हें थोड़ा क्रंची रखना है। जैसे बाहर जब हम चाउमीन खाते हैं तो उसमें सब्जियाँ क्रंची लगती हैं और इससे चाउमीन बहुत ही टेस्टी लगता है। और सब्जियों को इस तरह से लंबाई में काट के डालने से भी चाउमीन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 मिनट बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल देंगे और इन सभी को फटाफट चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई ही रखना है, बस इसे 30 सेकेंड के लिए चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इसमें उबले हुए नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स को इकट्ठे पलट के इसमें ना डालें, इसे हाथों की मदद से डालें, जिससे यह जो नूडल्स हैं वह अलग अलग हो जाएंगे और आपस में चिपके नहीं रहेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, नूडल्स को उबालते समय भी नमक डाला है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो आप काली मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और यह फटाफट बन जाती है। आप चाहें तो इस चाउमीन में अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बाजार जैसी चाउमीन बनकर बिल्कुल रेडी है। घर में इसे कम खर्च में जितनी चाहें उतनी बनाएं। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बाजार जैसा। और क्रंची सब्जियों के साथ इस नूडल्स का मज़ा दुगना हो जाता है। वेज चाउमीन बनकर तैयार है, गैस को बंद कर दें। इसे फटाफट एक बोल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए, टेस्टी चाउमीन बनकर बिल्कुल रेडी है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।